सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय लखनऊ की पावन धरती पर पहुंचा हुआ हूं, जहां बहुत अच्छी बरसात हो रही है। देश भारत की और विश्व में रह रहे सभी लोगों को पता है कि मैं पिछले दो दिन से NCR में था और NCR से ही मैं हरियाणा पंजाब में धम्म की गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। वहां पर भी कई ऐतिहासिक कार्य हम लोगों ने किए। पंजाब के लोगों ने जमीन दान करने का काम किया, हरियाणा के लोगों ने जमीन दान करने का काम किया। वहां पूरे स्टेटों में बहुत अच्छी टीम बन गई है जो बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रही है। सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये हमारा आह्वान है, उसके तहत हम सभी लोगों को जो समान विचारधारा के लोग हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं इस समय लखनऊ पहुँचा हुआ हूँ। हमारे साथ आदरणीय भंते शील वंश जी हैं, मंगल वर्धन जी हैं, आदरणीय बोधी रतन भंते जी हैं, बिंबादित्य जी हैं, योगेश कुमार हैं और हमारे चालक महोदय आदरणीय अरविंद जी हैं। तो मैं आपके सामने हूँ, मैं लखनऊ पहुँचा हुआ हूँ। बहुत खूबसूरत बरसात हो रही है, मैं गाड़ी में अंदर बैठा हूँ चूँकि जाना है मुझे कार्यालय। तो इस समय पानी बरस रहा है, मैं जा नहीं सकता हूँ चूँकि पानी बहुत तेज बरस रहा है और जब तक पानी बरसता रहेगा तब तक मुझे कार में ही बैठना पड़ेगा। मेरा मन हुआ कि आप सभी लोगों को बता दूँ, उत्तर प्रदेश के सभी राजा महाराजा हो तैयार हो जाइए। आप हर तरह मजबूत हैं, संख्या भी आपकी ज़्यादा है, आप वोट भी ज़्यादा रखते हैं और आप हर तरह से मजबूत हैं, ज़मीनें भी आपके पास ज़्यादा हैं, लेकिन आपके हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं है। मैं अपील करता हूँ कि सभी जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं, हक वंचित असहाय कमेरा समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, पार्टियां भले ही एक दर्जन बनी रहें, नेता भले ही अपनी अपनी जुमलेबाजी करते रहें, लेकिन मैं अपील करता हूं आप सभी लोगों से सूझबूझ का परिचय दीजिए और वोट खराब मत करिए। इन तानाशाहियों के खिलाफ एकजुट वोट करके इनको यहाँ से भगाने का काम करिए, मेरी अपील है। और इस मुहिम में मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और मैं आप सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगर ऐसा आप कर पाए तो संविधान भी सुरक्षित रह पाएगा, ऐसा आप कर पाए तो देश सुरक्षित रह पाएगा, ऐसा अगर आप कर पाए तो गंगा जमुना की जो तहजीब है, जो धर्म निरपेक्ष भारत का असली रूप है कि सभी रंग भेद एक साथ में रहते हैं, वो भारत बच पाएगा। नहीं तो ये लोग बर्बाद कर देंगे, आपकी नस्लों को तबाह कर देंगे। इसलिए मैं समान विचारधारा के लोगों से अपील करता हूँ। मैं लखनऊ पहुँच गया हूँ और अब लखनऊ के सभी जनपदों का दौरा करूँगा, जगह जगह जाकर के समान विचारधारा के लोगों के साथ, रविदासियों के साथ, कबीरपंथियों के साथ, अम्बेडकरवादियों के साथ, बौद्धों के साथ और बहुजन समाज के सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के साथ, उनकी अलग अलग जातियों के साथ बैठ करके वार्ता करूंगा और एक आम सहमति बनाने का प्रयास करूंगा कि चाहे जितनी पार्टियां लगी रहें बहुजन समाज की, लेकिन इन तानाशाहियों से लड़ने के लिए एक किसी व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति को वोट कर दीजिए ताकि ये तानाशाही देश से भागें, प्रदेश से भागें और आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। मेरे इस अभियान में आप साथ दें और अगर हम कहीं गलत हैं तो मुझे भी आप सलाह देने का काम कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये सब, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं लखनऊ की धरती पर 2.5 महीने बाद लौटा हूँ, लखनऊ की हवा लेकर के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और मैं अपील करता हूँ पूरे प्रदेश के लोगों से कि लगिए, अगर जिंदा हो तो नज़र आइए ना, बाकी मरे हुए लोग पहले भी थे, आज भी और आगे भी बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय अशोक, जय श्रमण भारत, जय संविधान, जय श्रमण भारत।